हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन में लूप के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि फॉर लूप की बात हम करने वाले हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना चाहिए, क्या वो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसे यूज करना है, चलिए आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर एक लूप लगाता हूं जो कि फॉर लूप है, तो यहां पर लिखूंगा फॉर, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेता हूं ए नाम से और इन रेंज लगाएंगे, रेंज, ठीक है। तो रेंज फंक्शन लगा दिया, यहां पे लिख देता हूं 10, 20 लिख दिया, यहां पे कॉलन लगा करके नीचे आएंगे, ठीक है। और यहां पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और हम ए को प्रिंट करवा देंगे। अभी अगर ए को प्रिंट करवाया तो आप आउटपुट इमेजिन कर सकते हैं कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ये प्रिंट करके दे देगा। चलिए F5 करके इसको रन करवाते हैं, उससे पहले इसको हम करेंगे सेव, ठीक है। तो यहां पर .py लगा करके इसको किसी भी नाम से सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 19 तक प्रिंट कर रहा है। लेकिन 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 यहां पर अगर मैं स्टेप में 2 दे देता हूं तो क्या प्रभाव इस पे पड़ेगा, तो यहां पर इसको मैं रन करवाता हूं और फिर आपको बताता हूं। यहां पर देखिए 2-2 के अंतर पे आता चला जाएगा, मतलब बीच में एक का गैप हो जाएगा। 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, क्योंकि 20 तक ही दिया गया है तो 18 तक ही ये प्रिंट करेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर 3 कर देता हूं तो फिर डिफरेंस बढ़ जाएगा, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, फिर 19 आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं 4 कर देता हूं तो यही हाल होगा कि 4-4 की गैपिंग चालू हो जाएगी, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18 आएगा। क्या होगा अगर हम यहां -2 करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, चलिए आइए समझते हैं, इसको रन करवाते हैं। तो यहां पे देखेंगे तो कोई भी आउटपुट यहां पे नहीं आने वाला है अगर ऐसी स्थिति बनती है। तो क्यों आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि 10 के पहले ये जा नहीं सकता, ठीक है ना, बात समझिएगा, क्योंकि यहां पर 10 दिया गया है इसीलिए कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर यही चीज मैं यहां पर 20 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर 20 कर दिया और यहां पर 10 किया, तो अभी क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए एक बार देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं जब मैंने यहां पर 20 किया है और यहां पर 10 किया है तो पीछे की तरफ बढ़ता हुआ ये 2-2 माइनस करता हुआ चला जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।